जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम 8वीं की गणित पाठ्यपुस्तक में प्रश्नावली 7.1 को कर रहे हैं और इसका अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आज करेंगे। प्रश्न संख्या 4 आज हम करेंगे। प्रश्न कहता है, परिचित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो हमें दे रखा है कि एक घनाभ है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है कि घनाभ का आयतन। आपको यहाँ से लिख लेना है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। हम इसकी भुजाएं क्या दे रखी है, हमें इसकी भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 5 × 2 × 5, ठीक है। अब हमें चाहिए कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे देखो कि यह एक गुणनखंड है, 5 × 2 × 5 एक गुणनखंड है। और जब भी आपको घन की बात आए तो उसके गुणनखंड में त्रिक होने चाहिए, यानी जो भी प्राकृतिक संख्या आ रही है वो 3 बार होनी चाहिए। 5 आ रहा है तो 5 के 3 सदस्य होने चाहिए, 3 समूह। 2 आ रहा है तो 2 के 3 समूह होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही बार है और 5 भी 2 बार है। यानी हमें घन बनाने के लिए 5 × 2 × 2 यानी एक और 5 चाहिए, एक और 2 चाहिए और एक 2 और चाहिए, यानी इतना और, ठीक है। इसे हम लोग लिख लेते हैं। अब इसे शब्दों में कैसे लिखोगे? लिखेंगे यहाँ शब्दों में कि उपरोक्त अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में पांच 2 बार तथा 2 1 बार आया है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि 5 2 बार आया है और 2 1 बार आया है। इसलिए इसे हमें पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए कितने चाहिए? 5 तो एक और चाहिए और 2 2 चाहिए, है ना। 2 2 है, मतलब 2 2 आया, 2 2 चाहिए और 5 1 चाहिए कि आवश्यकता होगी ता होगी। अब इसे गुना कर लीजिए कि 5 × 2 × 2 तो 5 × 10, 10 × 20 अर्थात 20 घनाभों की और आवश्यकता होगी। ये बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी भुजाएं देखना है। जहाँ पे आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए आपको भुजाएं देखना है, उसके में देखना है कि जो भी संख्या आ रही है उसकी त्रिक बनने चाहिए। यदि त्रिक नहीं बन रही है तो त्रिक बनाने के लिए जितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी उन सभी के आपस में गुना कर दो। चूँकि यहाँ पर 1 5 था तो यहाँ पे 2 5 था, 1 और 5 लिखे हैं, यहाँ पे 1 2 था तो 2 2 यहाँ से भी लिख दिए, गुना कर देंगे 5 6 20। तो थैंक यू बच्चों, आप सभी भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 100 लाइक, देखते हैं आप सभी कितने जल्दी इस वीडियो को 100 लाइक तक करते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, उसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.2। धन्यवाद।